नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद वैस और आप देख रहे हैं एनपी न्यूज। रुड़की नगर निवासी अमित अग्रवाल नामक याचिकाकर्ता द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर करते हुए अपनी दलील पेश की गई थी कि रुड़की के बतौर मेयर गौरव गोयल ने अपने पद प्रतिष्ठा का दुरुपयोग किया है। याचिकाकर्ता द्वारा खंडपीठ के समक्ष कहा गया था कि गौरव गोयल ने दूरभाष के जरिए एक भूमि की लीज बढ़ाने के एवज में 25 लाख रुपए मांगे थे, जिसकी फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग वायरल होने और मामला बढ़ते देख बातचीत में वॉयस सैंपल रिकॉर्ड को फॉरेंसिक लेबोरेटरी भेजा गया था, जो बाद में सही पाए गए। इतना ही नहीं बल्कि मेयर पर, नगर निगम के तैनात एक कर्मचारी पर झूठे मामले में फंसाए जाने की भी दलील पेश की गई, जिसके मुताबिक अपने निजी हितों के आड़ में केस वापस लिए जाने की बात अपनी याचिका में कही गई है। मामले पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की दोहरी खंडपीठ ने सरकार को निर्देश जारी कर दिए हैं। आज भी एक जनहित याचिका लगी थी, जो रुड़की नगर निगम के जो मेयर हैं उनके विरुद्ध जो एक FIR दर्ज हुई है और जिसमें FSL रिपोर्ट में उनके वॉइस टेस्टिंग में ये पुष्टि हो गई है कि उनके द्वारा कुछ अनुचित मांग की गई थी। इसके अलावा कई अन्य रिपोर्ट और कई अन्य उदाहरण माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए, तो माननीय न्यायालय द्वारा शासन से कहा गया है कि धारा 16 जो पंचायत राज अधिनियम जो उत्तराखंड नगर निगम अधिनियम है, उसके तहत आप इस पर आवश्यक कार्रवाई करके और जो उसमें प्रक्रिया दी गई है उसके अनुसार आप कार्य करके, जांच करके 2 महीने के अंदर इस पर निर्णय लें।